हे गाइस, मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। पटना यूनिवर्सिटी में जो यूजी का जो एडमिशन का टाइमिंग है, आप जान रहे हैं सही तरीके से, जो एप्लीकेशन सबमिट होने का जो टाइम है, जो लास्ट डेट है, वो आपका 4 जून है। इसके बाद उम्मीद है, आसार भी कह सकते हैं, मैक्सिमम उम्मीद है कि डेट आपका एक्सटेंड होगा। लेकिन अभी फिलहाल में जो यूनिवर्सिटी ने जो एंट्रेंस टेस्ट का जो डेट डिसाइड किया है, वो आपका 18 जून से लेकर के आपका 21 जून तक है। इसमें आपको बीए बीएससी बीकॉम का 18 जून को, इसके बाद हर डेट अलग अलग प्लानिंग है, वोकेशनल कोर्सेज का भी डेट है। तो हर एक प्लानिंग को कंप्लीट करने के लिए, यानी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को देने के लिए, यूनिवर्सिटी ने सिलेबस को भी जारी किया। सिलेबस आप जानते हैं, 1 से 2 दिन पहले सिलेबस आया। सिलेबस जैसे ही आता है, पूरा जो तैयारी करने का जो पूरा क्राइटेरिया था, वो पूरा क्राइटेरिया चेंज हो गया। यानी पहले स्टूडेंट्स को लगता था कि हमको ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है अगर आर्ट्स के पेपर में, तो आर्ट्स की तैयारी हमको करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स को लगता था कि हमको साइंस का पेपर अगर लेना है, तो हमें साइंस की तैयारी करना पड़ेगा। सेम तरीके से स्टूडेंट्स को लग रहा था कि कॉमर्स में अगर हमें एडमिशन लेना है, तो कॉमर्स की तैयारी करना पड़ेगा। लेकिन अब ये स्थिति बदल चुकी है। अभी अब आपको सिंपल सा प्रोसीजर क्या है, जो क्लास 12th में आपने पढ़ा, उसी का आप टेस्ट दीजिए। इसके बाद उस टेस्ट में जो भी आपका रिजल्ट आता है, उसी के बेसिस पे आपका एडमिशन होता है, आप जिस भी कोर्स में एडमिशन चाहे। क्योंकि मैंने एक दिन पहले आपको, 1 से 2 दिन पहले ये भी बताया था कि पटना यूनिवर्सिटी सीबीसीएस सिस्टम को लॉन्च किया है, यानी क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम, यानी आपके मन के मर्जी पर है, किसी भी कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं, बशर्ते कि आप उसके एलिजिबिलिटी को कंप्लीट करते हैं या नहीं करते हैं। किस कोर्स का क्या एलिजिबिलिटी है, कहने का मतलब है कि मान लेते हैं कि अगर आपको लेना है हिस्ट्री ऑनर्स, तो हिस्ट्री ऑनर्स लेने का क्या क्राइटेरिया है, यानी हिस्ट्री ऑनर्स कौन से स्टूडेंट्स ले सकता है, इसके लिए आपको प्लस टू में क्या होना चाहिए, ये सारा बेसिक इन्फॉर्मेशन पे मैंने पहले के वीडियो में डिस्कस भी किया था। तो आपको एलिजिबिलिटी का वीडियो देख लीजिए। एलिजिबिलिटी का वीडियो देखने से आपको पता चल जाता है कि आप बीए के आर्ट्स पेपर में एडमिशन लेने के लिए लायक है या नहीं है, या फिर मैथ ऑनर्स लेने के लिए लायक है, या फिर बीबीए ले सकते हैं, या बीसीए ले सकते हैं, या बीएमसी ले सकते हैं। कहने का मतलब कि आपको किस कोर्स में आप एडमिशन लेने के इलिजिबल है, वो इलिजिबिलिटी का आइडिया आपको वो पिछला वीडियो से आपको मिल जाएगा। तमाम जो सारा वीडियो है, हर वीडियोस को इसी वीडियोस में मैं अटैच कर दूंगा लास्ट में आई बटन में, ताकि वो वीडियोस देख करके आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाए। ओवरऑल कहने का मतलब है कि अब आपको तैयारी करना है थोड़ा सा दूसरे वे में, यानी जो आपने पहले सोच कर रखा, वो प्लानिंग अभी कुछ भी काम नहीं किया। जो भी सारी तैयारियां चल रही थी पटना यूनिवर्सिटी को लेकर के, वो सारी तैयारियों में चेंजिंग आ चुका है। तो अपने आप अपने थिंकिंग में भी चेंजिंग लाइए, नहीं तो वो आपको जब आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने के लिए जाइएगा, तो वो चीज आपको पता चल जाएगा। क्योंकि यूनिवर्सिटी ने सीधा सीधी सिलेबस को जारी कर दिया, सिलेबस जारी किया लगभग आपको 20 दिन पहले। तो 20 दिन एक बहुत लंबा टाइम होता है। अगर आप कंटिन्यूअसली, अगर आप मान लेते हैं कि अभी आप कुछ चीज का तैयारी नहीं करेंगे, अभी आप 12th पास आउट है, पास आउट के बाद आप अगर दिन का अगर आप 6 घंटा भी अगर टाइम देते हैं इसके प्रिपरेशन को लेकर के, तो आपका अभी आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है। यानी कह सकते हैं अप्रॉक्स आपके पास एक अच्छा खासा टाइम है, जो कि तैयारी के लिए बहुत काफी टाइम है। अब आपको तैयारी कैसे करना है, क्या कुछ सिलेबस अभी ओवरऑल बताया गया है कि जो सारा सिलेबस के आइडियाज देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि पीयूसीटी 2022 का जो एग्जामिनेशन है, चाहे वो रेगुलर कोर्स का हो या वोकेशनल कोर्स का हो, स्टूडेंट्स को एग्जाम देना है 12th में जो पेपर पढ़े थे, उसी पेपर का उन्हें एग्जाम देना है। और पेपर में जो इस बार का एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो पेपर होगा, उसको आप जानते हैं कि 2 पार्ट में बेसिकली डिवाइडेड है, या 2 पार्ट कहने का है, सिर्फ ऑल ओवर कह सकते हैं कि एक तो आपका 40 मार्क्स का आपका जनरल बात, यानी कह सकते हैं जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड, करंट अफेयर्स वगैरह जो भी है, वो आपका 40 मार्क्स में है। एंड एक आपका 60 मार्क्स में है, जो कि आपने जो क्लास 12th में आपने पढ़ा। जैसे अगर आपने साइंस पढ़ा होगा, तो पीसीएम अगर पढ़ा होगा, तो आपको 60 सवाल आपको आएंगे पीसीएम फैकल्टी से। अगर आपने आर्ट्स पढ़ा, तो समझिए 60 क्वेश्चन आपके आर्ट्स पेपर से आएंगे। तो ये आपका मोटा मोटी कहने का मतलब है कि ये 60 क्वेश्चन आपका क्लास 12th पे डिपेंड करता है। जो आपने क्लास 12th में पढ़ा, उसी का आपको टेस्ट देना है, और इसी से आपका 60 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। वहीं आपका 40 क्वेश्चन आपका जो जनरल है, जो जनरल नॉलेज है, या जो जनरल जीएस पेपर है, यानी जो भी जनरल जनरल सी बात है, वो आपका 40 क्वेश्चन, यानी 40 क्वेश्चन के फॉर्म में आते हैं। जो आपने क्लास 12th पढ़ा, वो आपका 60 क्वेश्चन के फॉर्म में आते हैं। इधर हो गया आपका साइंस के लिए, यानी जो आपने क्लास 12th साइंस में पढ़ा, उनके लिए भी 60 क्वेश्चन का रेशियो आएगा सेकंड पेपर में। जिन्होंने आर्ट्स पढ़ा, उनके लिए भी 60 क्वेश्चन, एंड जिन्होंने कॉमर्स पढ़ा, यानी जिन्होंने आईकॉम किया, उनके लिए भी 60 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का रेशियो ध्यान रखिएगा। कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, क्या कुछ हमारा प्लानिंग है आपके लिए, वो प्लानिंग भी मैं आपके लिए बता रहा हूं, ताकि कम टाइम में कैसे आपको बेटर सक्सेस करना है, और कैसे आपको एडमिशन ले लेना है, ये भी पूरा आइडियाज दूंगा। चूंकि मैंने बता दिया हूं, अगर आप अपने आप में, अगर आप कह सकते हैं कि गट्स रखते हैं, या फिर अगर आप अपने आपको मोटिवेट करते हैं कि अभी टाइमिंग है, बहुत ज्यादा टाइमिंग है, आप ये मानकर चल सकते हैं। और टाइमिंग ऐसे मोटा मोटी 20 दिन का टाइमिंग है, बात जानते हैं। लेकिन अगर आप दिन का अगर आप टाइमिंग अगर प्लानिंग कर लेते हैं कि 6 से 7 घंटा का हमें टाइम इसमें इन्वेस्ट करना है, तो अगर आप 20 डेज के अकॉर्डिंग आप उसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो एक अच्छा टाइमिंग होता है। तो आप उसे उस कैलकुलेशन के हिसाब से आप उतना पीयू के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करना, बहुत ज्यादा काफी टाइम होता है। तो अभी आपको जो मैं प्रिपरेशन करवाऊंगा, वो प्रिपरेशन का 2 बेसिक स्टेप। एक तो आपका 40 क्वेश्चन जो कि सबको देना है, चाहे आप बीबीए में एडमिशन लीजिए, बीसीएम लीजिए, बीकॉम में लीजिए, बीए में लीजिए, बीएससी में लीजिए, ये 40 क्वेश्चन लगभग सबका सेम रहेगा। थोड़ा बहुत चेंजिंग रह सकता है, लेकिन जो क्वेश्चन का टाइप रहेगा, वो क्वेश्चन का टाइप सेम रहेगा। सीरियलिंग में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, लेकिन बाकी सब सेम रहेगा।
बाकी जो 60 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन में जो मैं तैयारी का जो बेसिक स्टेप बताऊंगा वो आपका साइंस के पेपर में, यानी जिन्होंने क्लास 12 साइंस से किया उनके तैयारी के लिए भी नहीं सोचना है, साथ में जिन्होंने क्लास 12 आर्ट्स पेपर से किया उनके लिए भी नहीं सोचना है। बाकी जो बात रह गया कॉमर्स का, तो जो कॉमर्स का बेसिक टॉपिक्स है, जो कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि वो सारा क्वेश्चन के आइडियाज के साथ आप एग्जामिनेशन को लेकर के बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और ऑल ओवर बात की जाए तो आप हमसे ज्यादा बेहतर आप अपने आपको तैयार करेंगे, चूंकि आप क्लास 12 हाल में पढ़े हैं, क्लास 12 अभी आपको कंप्लीट किया हुआ, मैक्सिमम आपको 3 से 4 मंथ हुआ है, यानी आपके माइंड में पूरा क्लास 12 का सिलेबस सेटअप है, आप पूरा पढ़कर आए, बस आपको बताना है कि कौन सा टॉपिक आएगा, किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन का रेशियो रहेगा, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको यही सारा आइडियाज मिलनी चाहिए। इतना अगर आपको आइडियाज मिल जाता है तो फिर आप समथिंग सब चीज को आप लगभग कवर अप कर लेते हैं। तो ये सारा आइडियाज मैं आपको दूंगा, आइडियाज के लिए जो सारा कंटेंट है जो पीडीएफ है, वो पीडीएफ वगैरह को बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, टाइम का इन्वेस्टमेंट होता है, प्लस आपको कुछ डिवाइसेस चाहिए होता है, तो ये तमाम सारा जो पीडीएफ का जो कंटेंट है वो कंटेंट आपको व्हाट्सएप के प्रीमियम फैसिलिटी के जरिए से मिलता है, जिस प्रीमियम फैसिलिटी को जस्ट आप सिंपल सा जो आपका मोबाइल का रिचार्ज होता है, जस्ट आपको मोबाइल के रिचार्ज के जितना आपको अमाउंट पे करना है, जस्ट आपको 249 रुपीज आपको अमाउंट पेड करना है, ये अमाउंट आपको पेड करना है फोन पे गूगल पे या जो भी सारे ऑनलाइन पेमेंट के जो प्रोसेस है, आप उस पेमेंट के प्रोसेस के जरिए से आपको पेमेंट करना है, व्हाट्सएप पे इसका स्क्रीनशॉट देना है, इसके बाद आपको व्हाट्सएप के प्रीमियम फैसिलिटी में आपको अटैच कर दिया जाता है, यानी आपको ग्रुप में अटैच कर दिया जाता है, और हर एक कोर्स का अलग अलग ग्रुप बनाया जाएगा। ग्रुप किस तरीके से बनाएगा, एक तो आपका जो 40 क्वेश्चन का जो ग्रुप है ये कॉमन ग्रुप रहेगा सबके लिए, एंड प्लस में एक ग्रुप रहेगा साइंस वालों के लिए, यानी जो क्लास 12 साइंस से किए हैं उनका एक अलग ग्रुप, जो आर्ट से किए हैं उनका एक अलग ग्रुप, एंड जो आपका कॉमर्स से किए हैं उनका अलग ग्रुप। साथ में ये भी फैसिलिटी है कि जो गर्ल्स हैं उनके लिए अलग, बॉयज के लिए अलग, ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो, एंड दोनों का प्राइवेसी सेफ रहे, एंड फिर जो सारा प्रिपरेशन का जो कंटेंट है, जो सारा मटेरियल है, वो मटेरियल आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलता है, साथ में जो कॉमन डिस्कशन का जो पॉइंट है वो आपको वीडियोज के जरिए से आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, बाकी जो वीडियोज है हर एक टॉपिक पे वीडियोज आपको वो यूट्यूब के माध्यम से मिलता रहेगा, जो सबके लिए फ्री है, सबके लिए फ्री है, वो कॉमन है, एंड जो प्रिपरेशन का जो सारा बेसिक स्ट्रेटजी होगा, स्ट्रेटजी प्लानिंग, आपका किसी भी प्रकार का डाउट होता है, आपको किसी भी टॉपिक से लेकर के आपको कंफ्यूजन होता है, या फिर जो तमाम सारे जो हमारे क्वेश्चन बैंक होंगे, क्वेश्चन डेमो होंगे, या फिर जो हम क्वेश्चन आपको पिकआउट करके हैंड ओवर करेंगे, जो जिस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, वो सर आपको व्हाट्सएप के प्रीमियम फैसिलिटी में मिलता है, क्योंकि इसे बनाने में बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट होगा, डिवाइसेस की जरूरत है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत खर्च करने की जरूरत होता है, तो वो अगर आप थोड़ा थोड़ा सबको मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं तो फिर वो ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं होता है, ज्यादा कुछ लगता नहीं है, थोड़ा सा अगर आप कंट्रीब्यूट कर देते हैं तो फिर वो बेहतर हो जाता है। तो इसके लिए आपको छोटा सा अमाउंट पेड करना है, तो व्हाट्सएप के प्रीमियम फैसिलिटी से जल्द जुड़े, ताकि आपका प्रिपरेशन बेटर हो सके, और जो प्रिपरेशन का जो पूरा स्टार्टअप है वो स्टार्टअप आज से हो चुका है। सबसे पहले जो 40 क्वेश्चंस का प्रिपरेशन है वो फ्री टू ऑल है, यानी 40 क्वेश्चंस किस टाइप का आता है, किस प्रकार से रिवीजन कराना है, वो आपको यूट्यूब पे फ्री मिलेगा। इसके बाद जो 60 जो क्वेश्चंस जो साइंस के पोर्शन से आएगा, इसका क्या कुछ सिलेबस है, क्या कुछ आपका आर्ट्स पेपर का सिलेबस है, ये सारा सिलेबस वगैरह हर एक कंटेंट आपको व्हाट्सएप के प्रीमियम फैसिलिटी में मिल जाएगा। बहुत हद तक कोशिश करूंगा कि जो कंटेंट सबके लिए अवेलेबल करा सकूं वो यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे आकर के अवेलेबल करा दूंगा। किसी भी प्रकार का डाउट्स रहे कमेंट्स कीजिए, व्हाट्सएप के प्रीमियम फैसिलिटी के जरिए से आप किसी भी प्रकार का आपका क्वेरी रहे आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। प्लस में ये भी आपके लिए फैसिलिटी है, ये जो आपका व्हाट्सएप प्रीमियम का फैसिलिटी बनेगा ये आपके एडमिशन होने तक आपके साथ स्टैंड अप रहेगा, यानी आपका मेरिट लिस्ट आएगा, आपका कट ऑफ आएगा, आपका एडमिशन में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कुछ भी हो, आपके पूरे एडमिशन के लास्ट स्टेज तक ये व्हाट्सएप प्रीमियम आपके लिए स्टैंड अप रहेगा। तो इसके लिए आपको बाद में फिर से अमाउंट देने वगैरह की कोई भी जरूरत नहीं है। लगभग हर साल मैं व्हाट्सएप प्रीमियम फैसिलिटी का लाता हूं, जो कि एडमिशन के टाइम में स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, और वो स्टूडेंट्स को पता भी चलता है इस बार के सेशन में भी कितने सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ, उनको व्हाट्सएप प्रीमियम फैसिलिटी का फायदा पता चला। तो ये अभी आपके लिए नया थोड़ा सा होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको ट्रस्ट करने की आवश्यकता है, अगर थोड़ा सा ट्रस्ट करते हैं तो इसका जो मेरिट्स है वो आपको मेरिट्स आगे देखने को मिलेगा। सो गाइस, मैं और भी डिस्कस करूंगा इस टॉपिक्स पे, बट जो सारा पीडीएफ का जो कंटेंट है, जो सारा प्रिपरेशन है, उसका स्टार्टअप ऑलरेडी हो चुका है, तो वो मैं छोटे छोटे वीडियोस के जरिए से लगातार आपको आने वाले जो 18 से 20 दिन है उसमें कई सारे वीडियोस मैं आपके लिए अवेलेबल कराऊंगा। लगभग आपको 100+ वीडियोस दूंगा जो जनरल क्वेश्चंस वगैरह है इस टॉपिक्स पे। सो जो जनरल क्वेश्चंस का जो वीडियोस है वो आपको मैं कोशिश करूंगा 100+ वीडियोस दे दूं, ताकि आपका किसी भी प्रकार का डाउट्स ना रहे, आपका किसी भी प्रकार का प्लानिंग आपका फेलियर ना हो, और जिस टाइप का क्वेश्चन मैं बताऊंगा उस टाइप्स का आप तैयारी करें। क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट आपको व्हाट्सएप के प्रीमियम फैसिलिटी में मिल जाएगा, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। इसके बाद एग्जामिनेशन को लेकर के जो भी आपका सजेशन होगा, जो हमारा सजेशन होगा, हर एक डिस्कशन हम लोग व्हाट्सएप के प्रीमियम फैसिलिटी में करेंगे। ये 40 क्वेश्चन का प्रिपरेशन हम लोग इस तरीके से करेंगे। बजा जो साइंस के पार्ट में, यानी साइंस में आपको क्या पढ़ना है, मैं आपको पहले टॉपिक बताऊंगा, टॉपिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, और टॉपिक का जो बेसिक बात है जो कि पूछा जाता है वो मैं वीडियोज के जरिए से आपको बताऊंगा, ताकि आपके मन में कोई भी डाउट्स इसको लेकर के ना रहे। सेम तरीके से आर्ट्स पेपर में सेम फैसिलिटी आपको किया जाएगा। कॉमर्स के पेपर में आपको मोटा मोटी मैं ये बता रहा हूँ कि कॉमर्स के फील्ड में क्या सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कौन कौन सारे टॉपिक्स है, टॉपिक्स के बारे में आपको आइडिया मिलेगा। एंड कॉमर्स वाले फील्ड में कोशिश करूंगा कि अपने जो जूनियर्स है या फिर जो सीनियर्स है उनका एक ग्रुप में प्रिपेयर करूं, ताकि वो आपके लिए कॉमर्स का जो भी सारा बेसिक बात रहे वो बेसिक बात को भी आपके लिए हैंड ओवर कर सके, क्योंकि मैं हर एक कंटेंट आपके लिए हैंड ओवर नहीं कर सकता हूं। मैं ऑलरेडी साइंस का स्टूडेंट हूं तो साइंस तो बेहतर तरीके से देख सकता हूं, साथ में सिविल का स्टूडेंट हूं तो आर्ट्स के पेपर के बारे में बहुत अच्छा खासा आइडिया है, जितना साइंस से लगा है उससे कहीं ज्यादा लगा हुआ हमारा आर्ट्स से हो गया है, तो वो सारा इन्फॉर्मेशन साइंस एंड आर्ट्स के लिए आपको सोचना नहीं है। बात रही कॉमर्स के लिए, तो कॉमर्स के लिए भी टीम को तैयार कर रहा हूं, ताकि वो आपके लिए प्रिपरेशन करवा सके, बट जो
40 क्वेश्चंस एंड आपका साइंस का आर्ट्स का ये सभी के लिए आपको सोचने की तनिक से भी आपको आवश्यकता नहीं है। आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जाइएगा, आप देखिएगा इतना आपको बेहतर तैयारी करा दिया जाएगा ताकि आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन में खुद सेटिस्फाइड होकर के आइएगा और आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में एडमिशन हो सके, ऐसा पूरा एग्जामिनेशन प्लानिंग को आपको लॉन्च करना है। बात रही सिलेबस का, तो व्हाट्सएप प्रीमियम में सिलेबस वगैरह तमाम जो सारा डिटेल्स है वो सेंड कर दिया जा चुका है ताकि हर एक स्टूडेंट्स को मिल सके और वो जो पीडीएफ से जो कंटेंट है उसका जो सेंड करने का जो प्रोसीजर है, जो पूरा सेटअप है, वो सेटअप आज से स्टार्ट कर दिया जा चुका है। तो आप फटाफट तेज गति से व्हाट्सएप के प्रीमियम फैसिलिटी में जुड़े ताकि जो आगे आने वाले टाइम है 18 से 20 दिन उसमें जो सारा टाइम से वो हमारे साथ आप इन्वेस्ट करें एंड एज ए रिजल्ट के रूप में आप आइएगा कि आपका सिलेक्शन, आपका एडमिशन फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कंप्लीटली सही तरीके से हो जाएगा। सो गाइस, आशा करते हैं जो पूरा एग्जामिनेशन का पूरा प्लानिंग था वो सारा प्लानिंग आप सही से समझ गए होंगे। फिर भी किसी भी प्रकार का डाउट्स होता है तो डाउट्स के रिगार्डिंग आप कमेंट्स कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप के जरिए से आप हमसे क्वेरी कर सकते हैं, तमाम सारे डिटेल्स के रिगार्डिंग मैं आपको फिर इन्फॉर्म करूंगा। सो गाइस, वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के बेहद ही धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो एंड प्लीज जितना जल्दी से जल्दी हो सके जुड़ जाइए ताकि जो प्रिपरेशन का जो स्टार्टिंग है वो स्टार्टअप आपके लिए और स्टार्टअप में आप साथ में आगे चल सके।